हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप CS5 में क्रॉप एंड इरेज टूल सीखेंगे। सबसे पहले इमेज लेनी रहेगी, फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए, ओपन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दी हुई हैं, इमेज सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। आपकी इमेज यहाँ आ गई है। इमेज की डुप्लीकेट कॉपी के लिए Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+N, न्यू पेज एंड Ctrl+V, ये डुप्लीकेट कॉपी आ गई। ओरिजिनल कॉपी को बंद कर दीजिए। अभी हम क्रॉप टूल सीखेंगे। टूल बॉक्स में आपको दिया हुआ है क्रॉप टूल, क्रॉप टूल सेलेक्ट कीजिए और आपकी इमेज के ऊपर क्रॉप कीजिए, यानी कि ड्रॉ कीजिए कि आपको कितनी इमेज रखनी है और कितनी निकाल देनी है। जैसे हमने यहाँ से एरिया डिसाइड किया कि मुझे इतनी इमेज चाहिए, तो उतनी इमेज साइड करिए। अगर आपको और भी साइड करना है एरिया, तो एरोज दिए हुए हैं, आप एरोज से भी इंक्रीज एंड डिक्रीज करके एरिया साइड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से एरिया साइड हो गया, एंटर दिया, इमेज क्रॉप हो गई है। उसके बाद है इरेज टूल। टूल बॉक्स में इरेज टूल दिया हुआ है, उसमें इरेज टूल है इमेज इरेज करने के लिए। आप इमेज इरेज कर पाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज इरेज हो रही है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास इरेज का, इरेज बैकग्राउंड। उसके लिए भी हम अगेन टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से इरेज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, तो वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इरेज करेगा। जिसके लिए हम लेयर लेंगे, विंडो मेनू में जाइए और यहाँ से लेयर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर है, हमें उसको इरेज करना है यहाँ पे, तो इरेज मेनू, इरेज बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ से इरेज होगा। उसके बाद है मैजिक इरेज टूल। अगेन हम टूल बॉक्स में जाएंगे, मैजिक इरेज टूल सिलेक्ट करेंगे और इरेज करेंगे। आप देख सकते हो जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ, सिमिलर एरिया वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके इरेज कर रहा है। ये है इरेज ऑप्शन एंड क्रॉप ऑप्शन। थैंक यू।